नमस्कार, आप देख रहे हैं सन्मार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। पटना के कमिश्नर आनंद किशोर विदेश टूर पर गए हुए थे। जिस समय पटना जल जमाव से त्राहिमाम कर रहा था, उस समय पटना के कमिश्नर आनंद किशोर विदेश के टूर पर थे, सरकारी टूर पर थे, सरकारी काम के सिलसिले में विदेश गए हुए थे। हालांकि जल जमाव की आफत आने के पहले उन्होंने ट्रैफिक रूल्स को लेकर के अच्छा खासा नाम कमाया, काफ़ी मेहनत उन्होंने की, लेकिन जल जमाव के समय में लोग उनको याद कर रहे थे और ये आरोप लगा रहे थे कि जिस तरह ट्रैफिक रूल में नियम का पालन कर रहे थे, पब्लिक से नियम खोज रहे थे, नियम कानून खोज रहे थे, वैसी स्थिति में जब पब्लिक परेशान है तो गायब हैं। हालांकि उनका सरकारी टूर पहले से प्री प्लान था, वो सरकारी टूर पर गए हुए थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी जब वो सरकारी टूर पर से लौटे हैं तो आते आते आन फान में उन्होंने अपने फिर पुराने अंदाज में काम करना शुरू कर दिया। जल जमाव को लेकर के सारे पदाधिकारियों का उन्होंने मीटिंग किया, दिशा निर्देश दिया उन्होंने। आइए सुनते हैं आनंद किशोर, जो पटना के कमिश्नर हैं, उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं। इधर जो पश्चिमी पटना में सब पानी जमा हो रहा है, जल जमाव को लेकर के क्या मीटिंग थी और आपने नल्ला छपरा में भ्रमण भी किया, क्या स्थिति पाया और क्या डिसीजन लिया गया? देखिए, अभी जो पानी का स्तर है अलग अलग क्षेत्रों में, पानी के स्तर में काफ़ी तेजी से कमी आ रही है। कई क्षेत्रों में पानी काफ़ी कम स्तर पर पहुंच चुका है, किंतु अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। तो आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं पदाधिकारियों को, जिसके अंतर्गत अभी वर्तमान में लोगों की शिकायत दर्ज करने के लिए 30 टेलीफोन लाइन का एक अतिरिक्त कंट्रोल रूम स्थापित करने का निर्देश दिया गया है, जो कल दिनांक 12 अक्टूबर से कार्यरत रहेगा। और इस कंट्रोल रूम का नंबर 223-0009 रखा गया है। और इस कंट्रोल रूम पर प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक 2 शिफ्ट में 30-30 कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और उन सबों के पास 30 रजिस्टर मेंटेन होगा, जिसमें कि जो भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से, और उन सभी शिकायतों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा प्रतिदिन शाम को आयुक्त कार्यालय में 5 बजे बैठक आयोजित की जाएगी और उस पर कृत कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही अभी से लेकर अगले 1 सप्ताह तक प्रतिदिन संध्या 5 बजे इस पूरे कार्यक्रम की और सभी प्रकार के अलग अलग कार्रवाइयों की समीक्षा प्रतिदिन की जाएगी, ताकि जो भी निर्देश दिए गए हैं और जो भी कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं उन सबों के बारे में मॉनिटरिंग करते हुए अगले दिन का एक्शन प्लान बनाया जा सके। अर्थात अब एवरी डे प्रतिदिन का एक्शन प्लान उस हिसाब से बनाकर उस पर कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जल निकासी हेतु बाहर से उच्च क्षमता के 3 बड़े बड़े पंप मंगाए गए थे, और चूंकि अब जल निकासी काफ़ी बड़े क्षेत्र से अब कम हो चुका है, तो अब चूंकि वह पंप अब अभी कार्यरत नहीं है वर्तमान में, इसके लिए नगर निगम पटना के 6 अंचलों में अलग अलग क्षमता के कुल 24 नए पंप क्रय करने का निर्देश दिया गया है, जो कि कल से परसों तक 2 दिनों के अंदर जिसके क्रय का आदेश निर्गत कर दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत कुल 24 पंप में 26 HP के 6 पंप, 15 HP के 9 पंप और 10 HP के 9 पंप, इस प्रकार से कुल 24 पंप का क्रय 2 दिनों के अंदर करने का निर्देश दिया गया है। और जितने पंप पूर्व से लगाए गए हैं उसके अतिरिक्त ये एक्स्ट्रा पंप लगाए जाएंगे,
ताकि जल निकासी और भी अधिक फास्ट और तीव्र गति से हो सके। इसके साथ साथ नगर निगम के सभी 6 अंचलों में अर्थात नूतन राजधानी अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, बांकीपुर अंचल, कंकड़बाग अंचल, अजीमाबाद और पटना सिटी अंचल, सभी अंचलों में 3-3 क्विक रिस्पांस टीम अर्थात पटना नगर निगम क्षेत्र में 18 क्विक रिस्पांस टीम QRT का गठन करने का निर्देश दिया गया है, जो कल दिनांक 12 अक्टूबर से कार्यरत रहेगा। और सभी क्विक रिस्पांस टीम में 3-3 कर्मी प्रतिनियुक्त रहेंगे, गाड़ी रहेगी अलग से। और जिस प्रकार की भी शिकायतें आएंगी और जिस प्रकार की भी लोगों की अपेक्षाएं और लोगों से जो फीडबैक प्राप्त होगा, उसके बेसिस पर यह क्विक रिस्पांस टीम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर त्वरित कार्रवाई करेगा। इसके लिए 18 क्विक रिस्पांस टीम का भी अलग से कल से गठन कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अब जहां जहां पानी अब निकल चुका है, वैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन टैबलेट का वितरण और ब्लीचिंग पाउडर के साथ साथ में लार्वा नाशी का भी छिड़काव कराया जाना जरूरी है, ताकि किसी भी प्रकार के अलग से रोग बीमारी इत्यादि का प्रसार कम से कम हो सके। इसके लिए सभी 75 वार्डों में अलग अलग टीम बनाने का निर्देश दिया गया है और पूर्व से भी काफ़ी टीम इसमें कार्य कर रहे थे। और आगामी 5 दिनों के अंदर सभी प्रभावित घरों में ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन टैबलेट का वितरण करने का निर्देश दिया गया है। और ब्लीचिंग पाउडर एवं चूना का मिश्रण 3:1 के रेशियो में बनाकर उसको भी आगामी 5 दिनों के अंदर संबंधित जगहों पर उसका वितरण कराया जाएगा, जहां जहां भी जो जो एरिया प्रभावित हुए हैं उसके अलावा उन क्षेत्रों में। इसके साथ साथ जो गंभीर रूप से कई जो प्रभावित क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में आगामी 5 दिनों के अंदर सिंथेटिक पैराथ्राइड का भी छिड़काव किए जाने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को दिया गया है। और इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी 18-10 तक छिड़काव करने के लिए माइक्रो प्लान बनाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए भी आवश्यक सभी प्रकार की टीम का गठन किया गया है। इसके साथ साथ और भी जहां जहां जो भी जल निकासी के दृष्टिकोण से जो भी अवरोध कई जगहों पर जो पाए गए हैं और जो अलग अलग लोगों के द्वारा जो फीडबैक भी प्राप्त हुए हैं और प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा भी क्षेत्र भ्रमण के क्रम में कई ऐसी सूचनाएँ इकट्ठी की गई हैं, जिससे कि अलग अलग क्षेत्रों में कुछ जगहों पर जल निकासी के लिए अवरोध को हटाना आवश्यक है, उसके लिए 2 अलग अलग टीम का गठन किया गया है। एक टीम में SDO सदर पटना, अपर नगरायुक्त पटना के साथ साथ कार्यपालक अभियंता और पुलिस बल और JCB की प्रतिनिधि की गई है, और दूसरे टीम में भी विशाल आनंद जी जो अपर नगरायुक्त पटना है, उनके साथ में LRDC पटना और संबंधित अभियंताओं की प्रतिनिधि की गई है, जो कि वैसे अलग अलग स्थल को चिन्हित करेंगे जिसके कारण जल निकासी में कठिनाई हो रही है और वैसे अवरोध को समाप्त करके जल निकासी की प्रक्रिया को और भी अधिक तेज करेंगे। इसी क्रम में आज अलग अलग क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया गया और नंदलाल छपरा के साथ साथ कुछ अन्य भी जो प्रभावित क्षेत्र थे उनका निरीक्षण करके संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया है। बादशाही पैन के संबंध में भी जो भी तीव्र गति से उसकी साफ सफाई करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया है और ये सभी कार्रवाइयाँ बहुत अच्छे रूप से प्रशासन द्वारा की जा रही है। वर्तमान में मैं जिला प्रशासन के और इस विभाग इस संबंधित अभियान में लगे हुए सभी पदाधिकारियों को भी आज इसके संबंध में विस्तृत कार्ययोजना बनाकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है और इस पर ऑलरेडी वो लोग कार्य कर रहे हैं। सहयोगी अनिल के साथ मनोज नारायण सिंह, स्मार्ट लाइफ पटना।